फ्रेंड्स मेरे दिस साइड, वेलकम टू नवंबर 30 डेज बिजनेस सीरीज। आज मैं कवर करने वाली हूँ हमारी जो बिजनेस सीरीज कंटिन्यूस चल रही है उसके अंदर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसके बिना हम कोई भी बिजनेस नहीं चला सकते या कोई भी इंसान सबसे पहले उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्यों लिया है ये टॉपिक, आज का टॉपिक है फंड रेजिंग और बूटस्ट्रैपिंग। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि फंड रेज कैसे करें, बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है, करते सब है लेकिन पता नहीं होता कि उसको बूटस्ट्रैपिंग बोलते हैं या फंड रेज कैसे करते हैं। तो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में बताती हूँ। सबसे पहले फंड रेजिंग करना है आपको तो आपके रिपोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि आपको CA को मिलना पड़ेगा या फिर कोई ऐसे पर्सन जो एक्सपर्ट होते हैं जो इस तरह का नेक्स्ट 5 ईयर का आपके बिजनेस का किस तरह का एक रिपोर्ट बना सकते हैं जिसके अंदर जनरेट हो जाएगी आपकी बेसिक लेवल की इनकम की आपकी प्रोडक्ट या सर्विस ये है, आप उसको इस तरह से 5 साल तक अगर रन करते हो तो आपको इस तरह से प्रॉफिट मार्जिन जो भी उसका एक्सपेंस के हिसाब से आपका पूरा बिजनेस मॉडल बनेगा वो रिपोर्ट आप अगर आप सबमिट करते हो तो आप फंड के लिए एक्सेप्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन इसके अंदर भी डिपेंड होता है कि आपकी कैटेगरीज कौन सी होती है, आपको किस तरह का फंड चाहिए, आपकी फंड की अमाउंट कितनी है, आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है, उस बेसिस पे आपका रिपोर्ट बनेगा और वो ही आपका रिपोर्ट आगे जाएगा। अब उसमें ऐसा भी होता है कि फंड रेजर कौन होते हैं और फंड रेज कौन करता है। आप आपकी एग्जिस्टिंग सिस्टम को लेके या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लेके भी आप फंड रेज के लिए जा सकते हो। आप बता सकते हो कि आपने स्टार्ट किया है, आपका विजन ये है और अभी तक मार्केट में आपने इतना कर दिया है तो आपको इतना लग रहा है और आपका जो भी बैलेंस शीट है आप उनको दिखा के बताओ। जब जिसको इन्वेस्ट करना है या फंड देना है वो आप के रिपोर्ट्स को देखेंगे, आपके प्रोडक्ट को देखेंगे, आपके प्रोडक्ट का विजन देखेंगे और उसके बाद आपके कंपनी के लिए वो इन्वेस्ट करेंगे या फंड को ट्रांसफर करेंगे आपको यूज करने के लिए। अब होता है बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि भाई होता क्या। जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास आइडिया होता है, ऐसा नहीं होता कि जो भी स्टार्टअप होता है वो पैसे लेके बैठे होते हैं और स्टार्टअप किया है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप होते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन उनको स्टार्ट करना आइडिया उनके पास स्ट्रांग होता है। दैट टाइम आपको क्या करना होता है, आप आपके नियर वन के पास से आप ले सकते हो, जैसे आपके नियर डियर वन होते हैं, फैमिलीज होता है, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं या फिर आपकी एक्स कंपनी होती है, ऐसे ऐसे कोई बहुत लोग होते हैं जो आपके साथ अच्छे रिलेशन है, आपके साथ अच्छे कनेक्शन में है, आप उनसे पैसे जुड़ो और उसके बाद आप आपका स्टार्टअप स्टार्ट करो। ताकि क्या होता है कि आपको ना तो उनको इतना इंटरेस्ट चुकाना होता है ना आपके ऊपर इतना बर्डन आता है, बिकॉज ऑफ आप जब उनसे पैसे लेते हो आप सर्टेन कमिटमेंट करते हो कि भाई मैं 1 साल में या 2 साल में आपको दूंगा बिकॉज ऑफ मेरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि आपके पास ना तो आपको कुछ इंस्टॉलमेंट भरने आएंगे, ना ही कोई लोन के हफ्ते आएंगे, ना किसी को आपको प्रॉफिट शेयर करना रहेगा। आप एक बार पैसे लेके आप अपना स्टार्टअप को रनिंग कंडीशन में ले जाते हो। तो ये 2 टाइप का हो गया, एक फैमिली फ्रेंड्स से ले सकते हो और दूसरा होता है मार्केट में आप आपका जो भी बिजनेस मॉडल है उसको देखा के और उसका विजन देख के आपको आपकी कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट करेगा। अब इन्वेस्ट करने के लिए लोग आपके पास कभी कभी आपकी कंपनी के परसेंटेज भी ले लेते हैं और कभी कभी आपके पास आपकी जो कंपनीज होती है उसके लगता है उनको कि एक लेवल तक उनकी ज़रूरत है, उनकी टीम या कुछ भी चाहिए, तो आपको उस हिसाब से वो सारी डिटेल्स दे देते हैं और आपके पास से वो डिटेल्स भी लेते हैं कि हम आपके अंदर इतना इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आइदर प्रॉफिट शेयरिंग, आइदर पार्टनरशिप या फिर आपके कंपनी के अंदर से वो सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ ले लेंगे। तो इस तरह से लोग इन्वेस्ट करते हैं। उसमें एक और इन्वेस्टर्स होते हैं एंजल इन्वेस्टर, उसका पूरा कवर मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही अबाउट फंड रेज। अगर आपको ऐसी कोई भी बिजनेस रिलेटेड हमारे साइड से हेल्प चाहिए तो कमेंट में हमने ईमेल एड्रेस दिया है, आप हमें DM कर सकते हो। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूँ मयूरी।